नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 534 अंक टूटकर खुला। देश में पिछले 24 घंटे में 38,660 लोग हुए ठीक, 499 लोगों ने गंवाई जान। देश में पिछले 24 घंटे में 38,164 नए मामले आए सामने, रिकवरी दर 97.32% पर पहुंचा। रविवार को मुंबई में हुई आफत की बारिश, चेंबूर और विक्रोली में दीवार ढहने से 30 की मौत। रविवार को अनिल देशमुख के घर ईडी की छापे, नागपुर काटोल में पुश्तैनी घर को खंगाला। पेरेंट्स ने गडकरी को बताई अपनी समस्या, कहा 100% फीस लेने स्कूल कर रहे मानसिक रूप से प्रताड़ित। अयोध्या नगर रोड पर हर तरफ अतिक्रमणकारियों की मनमानी का नजारा, 4 बजे के बाद भी जमी रहती है दुकानें। विदर्भ के 125 से अधिक सिंचाई प्रकल्प अधूरे, सरकार नहीं दे रही पर्याप्त निधि, बैकलॉग पूरा करने को लेकर मविया सरकार उदासीन। देवेंद्र फडणवीस पर आरोपों की याचिका खारिज, सरकारी वकील के कार्यालय से दस्तावेज प्राप्त करने में गलत मंशा नहीं। चाकू के साथ धरा गया तड़ी पार, यशोधरा नगर पुलिस थाना तलब का मामला। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।